गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एलटी एसएसटी के लिए जियोग्राफी के लिए क्या पढ़ना चाहिए? अच्छा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अभी एलटी एसएसटी आने वाले हैं पेपर उसके, और जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा तो मुझे लगता है कि 2-3 महीने में इसके पेपर हो जाएंगे, तो बच्चों को उसके लिए पहले से तैयार रहना पड़ेगा। और आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि एलटी एसएसटी के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, वैसे तो मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं। आप 10th से लेकर 12th तक की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन के कंटेंट को कंप्लीट करने के लिए आप माजिद हुसैन, खुल्लर या अमित बड़वाल की बुक्स रेफर कर सकते हैं। मैप के लिए आप ऑक्सफोर्ड और जीसी लियोंग भी फिजिकल ज्योग्राफी के लिए पढ़ सकते हैं। बट हमारे यहाँ पे क्या रहेगा कि हम आपको यहाँ पे सीधे वो कंटेंट अवेलेबल करवाएंगे ताकि आपको इतनी सारी किताबों से बचना पड़े, क्योंकि इस किताब में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उनको क्या कंटेंट चाहिए जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम यहाँ पे उनको अवेलेबल करवाएंगे। इकोनॉमी के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? हाँ देखिए, इकोनॉमी एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एक टॉपिक है, एक बुक है। आपके लिए इकोनॉमिक्स इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स के लिए सबसे पहले हमें कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं पॉवर्टी लेवल की, या कई सारे आपके सामने क्वेश्चंस बन सकते हैं जैसे कि ग्लोबलाइजेशन है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम है, या डिमांड और सप्लाई का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, डेफिनेशन ऑफ मनी क्या है, सेंट्रल बैंक का काम क्या है, कमर्शियल बैंक का काम क्या है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी विद फैक्ट। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी होगी, फैक्ट भी होगा, कंटेंट कम होगा, इफेक्टिव कंटेंट होगा, जिससे आपको रिजल्ट ज्यादा आएगा। नहीं तो आपको 10th से लेकर 12th तक आपको इकोनॉमिक्स की बुक पढ़नी पड़ेगी, और हो सकता है कि आपको रमेश सिंह जैसी बुक, बहुत ही जो मोटी बुक है वो पढ़नी पड़ेगी। अगर आप इन सारे बुक से बिल्कुल कॉन्क्रीट मैटर चाहते हैं और अपनी सिक्योरिटी चाहते हैं, तो हम आपको वो मैक्सिमम कंटेंट देंगे जो पेपर के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सर, आप कोर्स कैसे कंप्लीट करवाएंगे? देखिए, कोर्स हम कैसे कंप्लीट, हम कोर्स में बहुत ही कॉन्क्रीट कंटेंट आपको, आप लोगों को अवेलेबल करवाएंगे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। आपको ज्यादातर किताब आप पढ़ने से बच पाएंगे, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी नहीं होगी। और हमारे यहाँ पे काम क्या होगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ कम से कम टाइम में आपको ज्यादा मैक्सिमम आपको क्वेश्चंस करवाने, ताकि आप अपने एलटी की सीट को पूरी तरह से सिक्योर कर पाए। तो सर, लास्ट में आप क्या बताना चाहेंगे एलटी के? देखिए, अभी तक मैंने आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बताया और ज्योग्राफी के बारे में बताया। इसके लिए आप जो हमारा यूट्यूब प्रावीण अध्यापक है, और इसमें हमारे साथ एक टीचर है मैम है, ज्योति बिष्ट मैम है, मेघा जसवाल मैम है। और ज्योति बिष्ट मैम आपको यहाँ पे पॉलिटी और हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखिए हिस्ट्री और पॉलिटी बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो वो क्या करेंगे, आपके लिए वो कंटेंट अवेलेबल करवाएंगे जिससे आपको बहुत ही इजिली, एक तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी, दूसरी बात आपको ज्यादा कंटेंट नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको उतना ही पढ़ना पड़ेगा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, पेपर के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा मेरी बात, देखिए ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। अगर आप ऐसा नहीं कि आप घर पर तैयारी कर सकते बुक्स, जैसे कि हम लोगों ने आपको पहले बता दिया, बट अगर आप हम लोगों से इसमें पढ़ेंगे तो आपको उससे क्या बेनिफिट होगा? देखिए, एक तो टाइम बचेगा, दूसरी बात आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कंटेंट ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स की बहुत सारी किताबें, आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, बहुत सारा मैटर पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद उसका जो कंक्लूजन है निचोड़ वो ढूंढना पड़ेगा। बट हम क्या करेंगे, आपको जो रेडीमेड कंक्लूजन वो सीधे दे देंगे, जिससे आपकी जो जनरी है वो थोड़ी आसान हो जाएगी, सक्सेस के चांसेस रेट जो बढ़ जाएंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, और जिससे आपकी सीट भी बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुली आपको सिक्योर हो जाएगी। तो इसी के साथ हम ये अपना ये वीडियो ही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।